है, इसे खोले कैसे? इससे प्रेशर नहीं सेट होगा, इसका प्रेशर इन नीचे से सेट होगा। प्रेशर सेट करने के लिए आपको ये नट खोलना पड़ेगा, ये नट नहीं काम करना। मैं और ये प्रेशर स्प्रिंग वाल्व और ये इसकी नोजल है। नोजल तो वापसी तो है पर चलेगी। ये ऐसे काम करता है। ये आगे से टूटी ना हो तो वापसी थोड़ी मोटी कम हो तो नोज़ल चलेगी। अगर ये टूटी है तो आप जिस नोज़ल का ये टूटे लिए स्पेंडल निकाल के रख लेना। कई बार इंजेक्टर है जो चौगाता है तो उसमें काम आती है। अभी हम इनको टेस्टिंग करेंगे, इसी वॉशिंग कर लें। और ये स्पेंडल नोज़ल इसमें गई और ये प्रेशर शिमर। ये प्रेशर का काम करेगा ये नट्टा जोर। ये जो जो हल्की वाला है ये काम करेगा स्पेसर का। जैसे स्पेसर डाउन हो जाता है स्पेसर बोलना पड़ता है। अभी इसका टेस्टिंग करते हैं तो कितना प्रेशर करना। ये देखिए ये अभी 100 प्रेशर जा रहा है। अब इसको खोलेंगे बड़े नट को, इसको कसेंगे। जैसे ही हमने इसको कस दिया, ये नट कस दिया, ये ढीला है, इसको नहीं छेड़ना है, इसको छेड़ना है। अभी प्रेशर चेक करते हैं। अभी देखो 170 हो गया है। थोड़ा 100 और 200 करना है, थोड़ा सा और कस दो। अभी ठीक है, बैक लीकेज है इसकी इंजेक्टर की। हाँ दोस्तों, प्रेशर बैक लीकेज है, हमने इसका 190 किया है, इससे बेटर चलेगा। अगर बदलनी पड़ी तो कंपनी से लेकर बदलनी पड़ेगी, चाइनाज की नहीं चलती है। अगर आपके पास ये इंजेक्टर है तो आपने ये नट 8 नंबर का खोलने से प्रेशर नहीं सेट करना है। इसे खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे खोलो, इसके निकालो, निडल चेक करो। और आप अगर इसकी वापसी है तो आप थोड़ा सा प्रेशर कम कर दो, इसी से सेट प्रेशर करके आप इस नट को लॉक कर दो। इसे नहीं छेड़ना है, इससे प्रेशर नहीं बढ़ेगा। अगर आप इसको करोगे बैक लीकेज बढ़ेगी और इंजेक्टर फायर करने में दिक्कत देगा। यही है आप प्रेशर सेट करने का नट। अगर किसी की निडल टूटी है, आगे से टूटी है, तो उसकी निडल निकाल के रख लेना, आपके काम आएगी। थैंक यू।